हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम श्रुति पटेल टीचर ऑफ सिन्या के जी टुडे वी आर लर्निंग अबाउट हिंदी सब्जेक्ट सो इन प्रीवियस वीडियो वी आर कंप्लीटेड आवर पोर्सन इन हिंदी सब्जेक्ट सो टुडे वी आर स्टार्ट रिविजन ओके सो आज से हम रिविज़न करेंगे और सबसे पहले आज हमें रिविज़न में करना है हमारे स्वर और व्यंजन अगर ये ही आप लोगों को नहीं आएगा तो हिंदी में कुछ नहीं आएगा सो so, क है तो क कैसे लिखा जाता है ड है तो उसको द से कैसे लिखा जाता है उसको रिकॉगनाइज करना वो सब कुछ आपको आना चाहिए सो लेट स्टार्ट राइटिंग ऑन योर हिंदी नोटबुक लुक एट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट फोर डैश थ्री डैश ट्वेंटी वन ओके और आज हमें लिखना है स्वर और व्यंजन दोनों तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे लिखना है अ से ओके सो वन एरो ड्रो हियर एंड राइट अ बोलते हुए लिखना है अ से अनार आ से आम छोटी इसे इमली बड़ी इसे ईख छोटे उसे उल्लू बड़े उसे ऊन लास्ट क्या आएगा री से ऋषि ये भी आपको अच्छे से लिखना है देखो टू लाइन में आप लोगों का अ से अ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए तो ये जो स्पेस हम लीव करते हैं वो भी अच्छे से करना है आपको ओ, ओके री से रीसी के बाद आता है ए से एडी ऐ आई से ऐनक ओ से ओखली औ से अवरत अम से अंगूर अह से खाली ओके okay? समझ में आया नेक्स्ट राइट हियर क से इन मिडल वी राइट क से ओके फर्स्ट लाइन ड्रो एरो एंड ब्राइट क से कबूतर ख खर से खरगोश ग से गमला लिव सम स्पेस ब्राइट ग से घर अंगा माने कुछ नहीं स्वर हमने ऐसे ही लिखा लेकिन ये जो हमारा क से ग्य है वो आपकी भूल ना हो इसलिए आपको फाइव फाइव लेटर ही यहाँ पे लिखना है फाइव वर्ण ही आना चाहिए यहाँ पे ओके क के बाद यहाँ पे नीचे ही आप लोगों को लिखना है अंगा के बाद क्या आता है च से चम्मच छ से छाता ज से जहाज ज से झरना या माने कुछ नहीं या के बाद क्या आता है ट तो, तो से टमाटर ठ तो से ठठेरा ड से डमरू ड से धक्कन अण से खाली देखो आपको बोलते हुए ही लिखना है तो ही आपको वर्ण बाय वर्ण याद रहेगा एक के बाद एक क्या आता है वो याद रहेगा अच्छे से अण से खाली के बाद क्या आता है दूसरा तो, से तलवार ठ से थर्मस ड से दवाई, ध से धनुष न से नल प से पतंग फ से फल ब से बकरी ब से भालू म से मछली य से यज्ञ र से रथ ल से लट्टू, व से वन स से सलजम ये भी कौन सा स पहले आता है वो आपको याद रखना है पहले स से सलगम आएगा उसके बाद आएगा श से षटकोण तीसरा से सपेरा से हल क्ष से क्षत्रिय त्र से त्रिशूल और लास्ट में आएगा ज्ञ से ज्ञानी ओके मेरी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैसे यहाँ पे जगह है इसलिए ओके देखो हमारे जो अ से अह होते हैं वो कितने होते हैं टोटल काउंट करो तेरा होते हैं वो अच्छे से आपको याद रखना है और क से ग्य तक हमारा कितने वर्ण होते हैं थर्टी सिक्स वर्ण होते हैं ओके आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है क्योंकि एग्जाम में आने वाला है कि पहले का वर्ण लिखो और बाद का वर्ण लिखो तो आपको अच्छे से ये सारे व्यंजन और स्वर आने चाहिए ओके ये आप लोगों को वन टाइम होमवर्क में करना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और बोलते हुए लिखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए ओके सो so, आज के लिए इतना ही बाय बाय